हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त नायरा आज खास करके पुरुषों के लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जिनके बारे में जानने से उन्हें काफी ज्यादा खुशी होगी। जी हाँ, कई बार पुरुषों को किसी किसी बात का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से उनका मनोबल भी कम हो जाता है। यदि आप भी उन्हीं में से एक हैं तो मैं आपकी दोस्त नायरा आज आपको बताऊंगी कि असली मर्द होने के कितने और क्या क्या लक्षण होते हैं। टिप नंबर 1 है स्पर्म की क्वालिटी। जी हाँ, एक असली मर्द होने के लिए सबसे पहला लक्षण यही है। यदि पुरुष के स्पर्म की क्वालिटी और स्पर्म काउंट काफी अच्छी मात्रा में होता है तो यह काफी अच्छा रहता है। प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए पुरुषों का स्पर्म क्वालिटी का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। उसके बल टिप नंबर 2 है शरीर। पुरुषों का बल कई बार उनके शरीर को देखकर ही पता लगाया सकता है। उनकी कटखाटी और उनका चौड़ा सीना देखकर ही हम पता लगा सकते हैं कि एक पुरुष के अंदर कितना बल है। इसीलिए यदि आपके होने वाले पार्टनर के अंदर भी ये सारी क्वालिटीज हैं तो वे निसंदेह ही एक अच्छे मर्द हैं। टिप नंबर 3, अंडकोश का आकार। पुरुषों के अंदर अंडकोश के अंदर ही स्पर्म की मात्रा बनती है। यदि किसी पुरुष के अंडकोश का आकार काफी बड़ा है तो उसके शरीर के अंदर स्पर्म की मात्रा काफी ज्यादा होगी। लेकिन यदि किसी पुरुष के अंडकोश का आकार बड़े से थोड़ा छोटा है तो उनके स्पर्म की मात्रा काफी कम होगी। वहीं दूसरी तरफ वे पुरुष जिनके अंडकोश का आकार बहुत ही ज्यादा छोटा होता है वे नपुंसक होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे वो ऐसे लक्षण जिन्हें देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आपके होने वाले पार्टनर असली मर्द हैं या नहीं। इन सारे टिप्स को आजमाइए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाज़त लेती हूँ।